भारत के 10 लाख आशा स्वयंसेवियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से रविवार को सम्मानित किया गया। उन्हें WHO महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम को WHO महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सभी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। वे एक स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में सबसे आगे हैं। उनका समर्पण और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर ट्रेडोस अधनोम घेब्रेसियस ने रविवार को वैश्विक स्वास्थ्य बढ़ाने, नेतृत्व का प्रदर्शन करने और क्षेत्रीय स्वास्थ्य के मुद्दों पर प्रतिबद्धता को लेकर उल्लेखनीय योगदान को पहचान देने के लिए रविवार को 6 अवार्ड का ऐलान किया। यह समारोह 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के एक उद्घाटन सत्र का हिस्सा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुखा मंडाविया ने भी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवा वितरण में सबसे आगे हैं। उन्होंने COVID-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए देश में अग्रणी भूमिका निभाई। सभी को बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।